दोस्तों आज मैं आया हूँ सेटअप पे। पहले मैंने इनको कबूतरों को खोल दिया है, राजा रानियों को खोल दिया, बोबलूना तो वैसे ही खुले हुए होते हैं। इन सब को खोलने के बाद काफ़ी जो है ना, इनको मैंने दाना पानी भी दे दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज आते ही सबको खोल दिया, उसके बाद वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। और अभी अभी अजीम भाई भी आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम अजीम भाई, क्या हाल है? खैरियत है? आ जाओ आ जाओ। अजीम भाई आ गए, अजीम भाई को लेकर चलते हैं ऊपर। आ गए फाइनली, अजीम भाई आ गए। 2 दिन गांव चले गए थे। अजीम भाई गांव चले गए थे, 2-3 दिन के बाद आए सेटअप से। अजीम भाई को सेटअप बुरा जो है ना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। बोल रहा दाना पानी देने के बाद फ़ौरन सफाई करते हैं, तो अभी दाना पानी दें फिर सफाई करते हैं। ये गेट बना रहा था अबू यहाँ के लिए। हाँ, इसमें केज भी बन सकता है, किसी के लिए भी केज बना सकते हैं हम। बहुत बड़ा केज बन जाएगा यार। ये केज भी फालतू पड़ा हुआ है, बबलूना नहीं बैठते इसमें, ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है। अब कोई और चीज़ ले आएंगे इसके लिए। नहीं नहीं वो बाहर घूमते रहते हैं, इनको टेंशन नहीं है। तालाब चाहिए? हाँ इनको तालाब चाहिए। दोस्तों ये केज जो बनाया था ये फालतू ऐसे ही पड़ा हुआ है, बबलूना इस केज में नहीं बैठते, तो इसके लिए कुछ और चीज़ लाएंगे इंशाल्लाह। सही है, इस कोने में तो रैबिट का घर बनाएंगे। हाँ दोस्तों, हीरो को मैंने आज खोला ही नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बदमाश हो गया है। इसने जो है ना कल भी मेरी टांग में मारा है, तो इसको खोल के रिस्क नहीं ले सकते। ये बहुत ज़ोर से मारता है, कभी ज़ख्मी कर देगा। तो इसको अभी फ़िलहाल मैं दाना पानी अंदर दे रहा हूँ, इसको खोलूँगा बाद में जब काम कर लूँगा ना, काम करके बैठ जाऊँगा उसके बाद खोलूँगा, फिर इसको देखता रहूँगा बैठ के। अभी फ़िलहाल इनको पानी पिला देते हैं। ये लो पानी पियो। एक अंधा भी आया हुआ है सामने रखा हुआ है, अभी उठाता हूँ पानी पिलाने के बाद। दोस्तों इनको पानी पिला दिया और अंडा मैंने निकाल लिया, अंडा यहाँ रख देते हैं। आफरीदी क्या हाल है? अंदर बैठे रहो, अंदर बैठे रहो फिलहाल। और ये बच्चा देखें माशाल्लाह कितना बड़ा हो चुका है, ये देखें दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बड़ा हो चुका है। इसके नाक पे थोड़ा ये दाना निकल आया, ये ज़ख्मी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सेट है, ऐसा कोई मामला नहीं है। ये सरवाइव कर गया है, काफ़ी बड़ा हो चुका है, इंशाल्लाह बड़ा हो जाएगा ये। और ये तो अभी तक अंडे पे बैठी हुई है। ये आ गया सिक्योरिटी गार्ड आ गया। हाँ भाई क्या मसला है, हट जाओ देखने दो। अच्छा दाना खाना है। दोस्तों यहाँ पे एक पैर जो है वो ऊपर नेस्टिंग बना रहा है, वो इसके ऊपर आप देख सकते हैं, ये नेस्टिंग स्टार्ट किए इस पैर ने, तो इसको मज़ीद नेस्टिंग दे देते हैं। और इसमें बॉक्स में बच्चा था, जो बच्चा तो अभी सरवाइव कर चुका है, अभी है मौजूद इसमें, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बड़ा हो चुका है। ये पूरी नेस्टिंग दे देते हैं इनको। दोस्तों हमारी फिंचेस का एक और पेयर जो है वो नेस्टिंग बना रहा था मटकी के ऊपर, अभी अभी मैंने देखा है, उनको और नेस्टिंग दे दिए मैंने ताकि अपना अच्छे से घर बना लें और अंडे दें। ये देखें सब आ गई नेस्ट उठाने, ये अपना अपना मटेरियल सब उठाने आ गई है नीचे। दोस्तों ये सब अपने अपने लिए जो है ना नेस्टिंग मटीरियल लेने आ गई हैं, उठा रही हैं अपना अपना। जिनके लिए छोड़ा है अल्लाह करे वो अपना घर बना ले तो उनके लिए अच्छा है, बाकी तो ये फालतू घर बनाती रहती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सेटअप की सफाई हो चुकी है, बहुत साफ़ सुथरा लग रहा है, अभी अंदर पूरा साफ़ हो गया। जो दाना वहाँ बचता है वो आपको पता है हम यहाँ छोड़ देते हैं ताकि बाहर वाले परिंदे जो प्यारे गेंगे वो आके खा लेते हैं। हमारे मुर्गी मुर्गियाँ भी खाते हैं, कबूतर हमारे आते हैं वो भी खा लेते हैं। यहाँ से भी आप देख सकते हैं पूरा साफ़ कर दिया है। इस तरफ हम कचरा खुद ही छोड़ दें क्योंकि ये इनको पसंद है, मुर्गों को और डक्स को इनको कचरा पसंद है, यहाँ पर ये इंजॉय करते हैं, इस वजह से थोड़ा बहुत हम छोड़ देते हैं ताकि ये इंजॉय करते रहें। तुम्हें पता है जावा ने नेस्ट बना लिया है? बना दिया। हाँ जावा को मटकी दी थी ना, नेस्टिंग मटेरियल दिया, नेस्ट बना दिया पूरा VIP। हाँ देखो देखो पूरा अंदर बना लिया VIP। और भी मैंने नेस्टिंग छोड़ दी है इनके पास,
ज़बरदस्त बना रहे हैं ये, इंशाल्लाह बहुत जल्द अंडे आ जाएंगे। और ये भी नेस्टिंग उठा रहे थे हमारे जो लव बर्ड है ना, ये भी नेस्टिंग उठा रहे थे। हाँ ये भी अंदर बैठे हुए हैं, ये नज़र ही नहीं आते। ये तो अभी अंडे पे है हमारी डव जो है ना, ये अभी दिन लगे, कुछ दिन लगेंगे, दो अंडे होंगे लेकिन मैंने चेक नहीं किया इसको। इस मटकी में शायद अंडे हैं, बैठी हुई है ऊपर, ये फीमेल बैठी हुई है। यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ये खा लिए। यहाँ यहाँ अंडा है, हाँ ये अंडे के ऊपर बैठी हुई है, यहाँ भी अंडा है। मैं चेक कर लेते हैं, यहाँ भी अंडा आया हुआ है माशाल्लाह, यहाँ भी दो अंडे हैं। अरे यहाँ तो बच्चा है, हाँ ये काफ़ी बड़ा हो चुका है, यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा है, काफ़ी बड़ा हो चुका है। और यहाँ भी अंडे हैं अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, सारी मछलियों में तकरीबन अंडे आए हुए हैं, एक में तो बच्चा है। ये पहले भी हमने देखा था, मैं भूल गया था कि यहाँ पे बच्चा है, तो एक मछली में बच्चा है, काफ़ी बड़ा हो चुका है, बाकी सब में अंडे आ चुके हैं। अब नीचे चेक कर लेते हैं, इनकी सिचुएशन चेक करते हैं, इनके यहाँ क्या है। यहाँ दो अंडे अजीम भाई, यहाँ भी अंडे होंगे, ये जिस तरह बैठी हुई है ना, यहाँ क्या है माशाल्लाह, यहाँ भी अंडे हैं। और उस तरफ क्या है, नहीं नहीं यहाँ कुछ भी नहीं है, ये दोनों मेल फीमेल। लेकिन यार ये जोड़ा ख़राब हो गया हमारा, हाँ पता है क्या, ये हमारा पेयर था एक जैसा, ये मेल अलग बैठा हुआ है, फीमेल ने येलो के साथ पेयर लगा लिया। यार ये ख़राब सीन हो गया, इसको अलग करना था, ये बहुत प्यारा था। ये देखो, इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर है, क्या है यार ये, क्या सीन है, ये तीन एक साथ हैं, तीन एक साथ, हाँ दो फीमेल है एक मेल है, ये क्या सीन है, ये तो जोड़ा है पूरा मेल फीमेल, एक येलो फीमेल और अंदर बैठी हुई है, चक्कर है कुछ, ये चक्कर तो ख़राब है। दो शादियां कर ली, इनको मटकी भी नहीं दी, इन्होंने अभी अंडे नहीं दिए, ये अंदर जा रहे हैं मटकी में लेकिन अंडे नहीं दिए। दोस्तों हमारे बज्जीज जो हैं वो ट्रायंगल बना के बैठे हुए हैं, लव ट्रायंगल बन चुका है उनका पैर। अभी मैंने चेक किया, मुझे ये लगा कि हमारा पैर ख़राब हो चुका है, लेकिन वो पैर पूरा है, एक येलो फीमेल उनके साथ बैठी हुई है, ये पता नहीं समझ से बाहर है। यार अभी इसको बंद करें, राजा और रानियों को, राजा और रानियों को बंद करते हैं, ये दरवाज़ा खोलो, ये राजा और रानियों को बंद कर दिया। अभी थोड़ी देर इस बदमाश को खोल देते हैं, ये अपनी बदमाशी कर ले आके बाहर, अब इसको घूमने देते हैं, भले थोड़ी देर घूमे। हाँ भाई कैसे हो, ठीक हो, मैंने शायद गलती कर दी है। अब यहाँ पे जिस बॉक्स में एक बच्चा था ना, इन लोगों ने नेस्टिंग ऊपर बना दिया, बच्चा शायद नेस्टिंग के नीचे आ गया, अभी चेक करना पड़ेगा इसको, मुझे बच्चा नज़र नहीं आ रहा। ये देखो हालत इनकी, देखो यार बच्चे के ऊपर नेस्टिंग रख दिए, ये देख रहे हो बच्चा नीचे, हाँ हाँ है, ओहो हो मर जाता ये, अभी अगर चेक नहीं करते ना तो बात अभी ये नहीं बचता। हाँ ये नेस्ट बना रहे हैं ना, ये देखो मैंने इनके लिए छोड़ी थी, या इनका नेस्ट बनाते हैं ऊपर ऊपर रख देते हैं, लेकिन यहाँ से फिर ये ले जाएंगी, ये आप लड़ती हैं ले जाती हैं। दोस्तों मगरिब होने को है, बिल्कुल सूरज जा चुका है, अंधेरा होने वाला है, तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।